आपको चिकन कोसा और नान का रेसिपी घर में कैसे आप बना पाएंगे वो आपको बता रही हूँ। ये रहा आपका सामग्री। आज मैं चिकन कोसा का रेसिपी पहले बनाने जा रही हूँ। ये रहा आपका चिकन कोसा का सामग्री, जैसे कि धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, नमक, जीरा, और ये मैं पेस्ट पहले से करके रखी हूँ, प्याज का आदि और लहसुन का, और ये रहा जीरा और गोलकी का, ये तेज पत्ता, कटी हुई प्याज, और ये रहा आपका चिकन जो मैं पहले से थोड़ा सा हल्दी लगा के रखी हूँ। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालने जा रही हूँ। देखिए आप, नमक डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह मिक्स करके, पहले से मैं ये कढ़ाई पहले से चढ़ा के रखी हूँ, जिसमें मैं सरसों का तेल डाल चुकी हूँ और जो हाई फ्लेवर में गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैं चिकन, जो हल्दी और नमक मिला के रखी थी, वो डालने जा रही हूँ। फ्राई करूंगी इसे मैं अच्छी तरह, पहले फ्राई करके निकालूंगी। चिकन, ये आपका चिकन फ्राई हो चुकी है, जो मैंने 5 से 10 मिनट तक करके रखी है। जो मैंने चिकन फ्राई की थी, वो जो तेल बची उसी में मैं चिकन का ग्रेवी बनाने जा रही हूँ। पहले जीरा डाली, उसके बाद तेज पत्ता, और इसके बाद जो प्याज काट के रखी हूँ उसे डाल के थोड़ा ब्राउन करना है। ये प्याज लाल हो गई है, उसके बाद इसमें मैं प्याज का पेस्ट जो पहले से करके रखी हुई थी वो डालूँ। प्याज डालने के बाद आपको सिर्फ प्याज को 5 मिनट तक भूनना है। ये आपका प्याज फ्राई हो गई है। इसे कैसे आपको पता लगेगा, देखिए साइड साइड से आपका ये तेल छोड़ने लगा है, उसके बाद आप समझिए कि ये प्याज अच्छी तरह फ्राई हो गई। इसके बाद हम लहसुन और आदि का पेस्ट डालेंगे। ये रही, इसके बाद इसमें मैं जीरा और गोलकी का पेस्ट में डाल रही हूँ। जो इसे चिकन कोसा कर रहे हैं, इसमें आप मसाला पूरा अच्छा से आपको डालना होगा। इसके बाद अब जो सूखा मसाला पहले से मैं करके रखी हूँ वो आप एक साथ ही सब डाल देंगे, जैसे कि धनिया का पाउडर, ये रही हल्दी का पाउडर, ये रही लाल मिर्च, जितना आपको तीखा चाहिए उसके अनुसार दीजिए। ये रहा नमक, जो स्वाद अनुसार आपको देनी है। आइए, आप पहले तो मैं पूरा फुल आंच में मसाला को फ्राई कर रही थी, ये सब डालने के बाद लास्ट प्रोसेस आप क्या है, गैस को धीरे कर दीजिए, उसे हल्का आंच में 5 से 10 मिनट तक आप मसाला को भूनिए, 5 मिनट मैक्सिमम। ये मसाला आप फ्राई हो चुकी है। आइए, जो मैंने पहले से चिकन फ्राई करके रखी थी, फ्राई करने का रीजन ये है कि ना आपका ये टूटेगा नहीं। इसके बाद आप हल्का सा, बेसी नहीं, आपको 3 से 4 चम्मच थोड़ा पानी डाल के अब इसे ढक के छोड़ दीजिए। 15 मिनट मैक्सिमम मैंने धीमी आंच करके चिकन को रखी थी, अब ये तैयार हो गई है। लास्ट में मैं आपका इसमें ये डालने जा रही हूँ, गरम मसाला, गरम मसाला। आइए, चिकन का मसाला है जो हल्का सा डाल रही हूँ। और उसके बाद ये आपका चिकन कोसा तैयार है।
नान का रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये रही चीनी, चीनी में पहले मैं थोड़ा सा पानी मिला के इसे पानी मिला के थोड़ा सा ये खोलना है। इसके बाद इसमें मैं ईस्ट, ये रही ईस्ट, ये आसानी से आपको मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको ईस्ट, जो एक चम्मच हमें डालनी है छोटी चम्मच से, वो जो चीनी का घोल के में, और फिर इसे मिला के कम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। नान में इस आज आटा से बना रही हूँ, जो अच्छी ही टेस्ट होती है। इसके बाद इसमें हम ईस्ट, जो चीनी के साथ घोल 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी वो है, पहले मैं वो डाल रही हूँ। उसके बाद नमक स्वाद अनुसार, ये है दही, और ये सादा तेल जो हाफ दे रही हूँ और हाफ रखूंगी, और उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके, और इसके इस आटा को तैयार करने के लिए हमें हल्का गर्म पानी चाहिए, जो मैं पहले से करके रखी हूँ। आप इसे आप ये आटा 5 मिनट तक ऐसे एकदम लूज होना चाहिए। अब इसमें मैं जो थोड़ा सा सादा तेल रखी थी उसे इस आटा में ग्रीस करके कम से कम 1 घंटा तो आपको रखना ही होगा। जो मैंने ईस्ट डाली हूँ ना, इसके चलते आपको 2-3 घंटा रखने की जरूरत नहीं होगी, 1 घंटा मैक्सिमम। इसे ये करने के बाद आप इसे ढक के छोड़ देना है। आपका एक ये आपका 1 घंटा के बाद आटा आपका देखिए कितना हल्का स्पॉन्जी हो गया है। आप इसे हम अब नान के लिए ये निकाल के हम पहले से लोई रेडी करके रखेंगे। ये आपका नान क्या रोज रेडी है। आप इसे मैं हल्की हाथों से बेलूंगी और बेलने के बाद थोड़ा सा आप इसे मोटा ही रखिएगा, जैसे आप बाहर देखते हैं, बस हो गई है। इसके बाद ये ऊपर थोड़ा पानी, इसलिए कि वो जब हम तावा में देंगे वो चिपक जाए। ये आप जो मैंने ये बेली थी वो पानी का जो ऊपर में लगाई, ये आप तावा के नीचे लगाइएगा, बस ऐसे पकने दीजिए। देखिए अब ये बबल आना शुरू हो गया है, अब ये नीचे से पक चुकी है। अब इसका जो प्रोसेस है आगे देखिए। अब इस तावा को हम ये करके ऐसे करेंगे, उलट के ये देखिए एक साइड से अभी बाकी है। ये आपका नान रेडी है। आप देखिए इस बंद करो। अब इसमें वो लास्ट में आप थोड़ा सा बटर या घी जो भी है वो आप लगा दीजिए। ये आपका चिकन कोसा और ये रहा आपका नान।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर।